फ्रेंड नमस्ते, मैं कल्याणी आज लेकर आई हूँ और एक वीडियो। ये बंगाली ट्रेडिशनल डिश है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और किसी को कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, कोई भी डिश के बारे में या आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं आधा किलो परवल लिया, इसको बहुत अच्छे से धो के फिर काट के इसके अंदर वाला निकाल लूँगी, छीलूँगी ऊपर से। फिर देखिए अंदर वाला निकाल के मैंने थोड़ा सा सरसों ली और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जो परवल के अंदर वाला वो लेके अच्छे से पीस ली। इसको पीस के देखिए इस तरीके का हो गया। अब देखिए गैस के वहाँ चली जाती हूँ, गैस ऑन कर लिया, कढ़ाई भी गरम कर लिया। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के, कोई हम तो ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, बंगाली रेसिपी है तो बंगाली रेसिपी में ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है। तो 2 चम्मच ऑयल इस्तेमाल किया और फिर देखिए ये मसाला पिसा हुआ डाल दिया और उसमें नमक डाल दिया। इसको अच्छे से भूनूंगी, भून के ये थोड़ी सी हल्दी डाल दिया, मिर्ची में ऑलरेडी डाल चुकी थी इसलिए मिर्ची पाउडर नहीं डालूंगी। देखिए अब हो गया। ये देखिए कटोरी में ठंडा करने के लिए लिया। अब जो मैं परवल छील के बिल्कुल अच्छा से रखी थी निकाल के अंदर वाला, और वही मसाला इसमें डालूंगी। देखिए इस तरीके से डालूंगी। देखिए मैंने सारे में डाल लिया। अब कढ़ाई में फिर से तेल ले रही हूँ गरम करके, और इस परवल को मैं फ्राई करूँगी, पर अंदर से मसाला ना निकल जाए इसलिए ये कॉटन धागा लिया, उसको लपेट लूँगी, बाद में इसको निकाल लूँगी अच्छा से फ्राई करने के लिए। तो देखिए इस तरीके का होगा। देखिए फ्रेंड, देखिए जो मैं परवल फ्राई कर लिया, और इसको थोड़ा सा ढक भी दूंगी क्योंकि परवल यहीं पे अच्छी तरह से फ्राई हो जाना चाहिए, बॉयल हो जाना चाहिए। ज़्यादा तेल में नहीं फ्राई कर रही हूँ, हल्का तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए ढक के फिर 2 बार पलट के इसको दोनों तरफ से पकाऊंगी, पका के इसको निकाल दूंगी। निकाल के देखिए जब ठंडा हो जाए तब इससे धागा भी निकाल लूं। अब देखिए मैं दूसरा मसाला दिखाना थोड़ा सा मिस हो गया, तो मैंने खसखस होता है ना, खसखस और अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची ये सब मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया था, पीस के अलग से रख दिया था। तो अब देखिए इसमें कढ़ाई में तेल लिया, तेल लेके इसमें 2 तेज़पत्ता डाल दी, तो थोड़ा सा मैं हल्का चीनी भी डालूंगी इसमें कलर के लिए, बहुत अच्छा कलर आता है चीनी डालने से। ये देखिए थोड़ी सी कलौंजी डाल दिया, डाल के देखिए चीनी का कलर उतर रहा है, और जो मैंने मसाला बोली कि पीसने की पीसी थी तो ये मसाला डाल दिया मैंने इसमें, डाल के अच्छे से इसको फ्राई करूँगी करके। देखिए 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है। देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, थोड़ी सी
हल्दी भी डाल दी, डाल के इसको बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करके देखिए हमारा मसाला इतना गाढ़ा हो गया, इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही चाहिए। तो देखिए फिर जो मसाला जिसमें रखी थी उसी के कटोरी में थोड़ा सा 1 कप जैसे पानी डाल दिया मैंने, डाल के इसको अच्छा से बॉयल हो जाएगा। देखिए ये पानी रहते रहते ही हम इसी में परवल डाल देंगे। परवल हमने फ्राई करते टाइम थोड़ा सा हल्का बॉईल किया था ताकि ये मसाला जब घुस जाए इसके अंदर तो अच्छा सा फ्लेवर आए खसखस का, हम बंगाली में इसको पोस्तदाना बोलते हैं। देखिए सारा परवल डाल दिया, डाल के इसको 3-4 मिनट उबालेंगे बिल्कुल सिम आँच पे। उबाल के इसको देखिए बन गया हमारा परवल, और इसको उतारने के बाद इसमें थोड़ी सी देसी घी डाल देंगे, डाल के इसको रोटी के साथ भी खा सकते, चावल के साथ भी खा सकते, बहुत ही अच्छा डिश है ये। देखिए बन गया हमारा परवल।